हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर। माई सेल्फ आकांक्षा शर्मा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द UPCHO एग्जाम। सो गाइस, अगर आप चैनल पे बने हुए हैं तो आपने देखा होगा श्याम सर ने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एंड इसके बाद प्रेरित सर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। रिसेंटली एम्स और नॉर्सेट के लिए अंजलि मैम ने आपको एम्स भुवनेश्वर का पेपर सॉल्व कराया था। सो अगर आपने अभी तक वीडियोस को वॉच नहीं किया है सो वॉच द वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द डिसीज़ विच इज़ नोन एज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसको हम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाता है दैट इज़ कॉलेरा। अब कॉलेरा में हमें याद रखना है कि कॉलेरा क्या होता है। कॉलेरा एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दैट इज़ विब्रियो कॉलेरी। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर काफ़ी बार एग्जाम में आता है जो है आपका राइस वाटर स्टूल, कि कॉलेरा में आपका कैसा स्टूल प्रेजेंट होता है, तो राइस वाटर स्टूल इज़ द आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, इंडिया में कौन सा कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है? ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में वो है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे कैंसर आता है दैट इज़ ओरल कैंसर, राइट। और जो आपका सर्विक्स का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, दैट इज़ अ थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है ब्रेस्ट कैंसर, देन आपका ओरल कैंसर, देन आपका सर्वाइकल कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स कोल्ड चेन इज़ यूज्ड फॉर, हमें कोल्ड चेन तो पता ही है, कोल्ड चेन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि वैक्सीन्स को हमें ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रिवर्स कोल्ड चेन हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर्स कोल्ड चेन को लेके। रिवर्स कोल्ड चेन में क्या होता है कि जब भी आपका स्टूल सैंपल होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको स्टूल सैंपल्स को एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर मेंटेन करना है ताकि उसको पोलियो वायरस जो होता है वो आप डिटेक्ट कर सको। ठीक है, तो उसके लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं दैट इज़ रिवर्स कोल्ड चेन। एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं, कैरिंग स्टूल सैंपल्स ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम PHC टू लेबोरेटरी, ट्रांसपोर्टिंग आउटडेटेड वैक्सीन फ्रॉम द PHC टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नो ये वैक्सीन्स का इसमें कुछ नहीं होता। ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन टू द लैब टू चेक इट्स पेटेंसी, नो। ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम कैंप्स टू सब सेंटर, नो। वैक्सीन से रिलेटेड जो हमारा वो आता है वो कोल्ड चेन में आता है। रिवर्स कोल्ड चेन में क्या आता है कि पोलियो को डिटेक्ट करने के लिए जब हम स्टूल सैंपल्स को लैब में भेजते हैं तो वो क्या होता है हमारा रिवर्स कोल्ड चेन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरवल बिटवीन टू डोसेस ऑफ DPT, OPV एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी लेस देन, कितना इंटरवल होना चाहिए अगर हम दो वैक्सीन दे रहे हैं तो उनके बीच में कितना ड्यूरेशन मिनिमम हमारा रहना चाहिए? तो जो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि 4 वीक्स का जो आपका ड्यूरेशन है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक इज़ नॉट द आंसर, आंसर इज़ अ 4 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इन्फेंट टर्न्स हेड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट दैट टचेज़ द चीक इज़ नोन एज, कोई भी इन्फेंट जब हेड को टर्न करता है, जब हम किसी भी इन्फेंट की चीक को टच करते हैं और वो उसी तरफ अपना हेड को मूव करेगा तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा? तो इसका आंसर जाता है हमारा रोटिंग रिफ्लेक्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च RBSK अंडर NRHM, ठीक है, तो RBSK क्या है हमारा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NRHM के अंडर ये लॉन्च हुआ था, तो पूछा है कि कब लॉन्च हुआ था। NRHM क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसके अंदर हमारे दो आते हैं, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर हमारे दो आते हैं, एक आता है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और एक आता है हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो इसी NRHM के अंडर हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। तो ये कब लॉन्च हुआ था, दैट इज़ एक बार ऑप्शन देखते हैं, दिसंबर 2015, फरवरी 2013,
अप्रैल 2016 और मार्च 2013। तो आंसर यहाँ पे जो जाता है वो आपका जाता है फरवरी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्थ केयर पर्सनल वॉज इंट्रोड्यूस अंडर ICDS स्कीम। ICDS स्कीम के अंडर आपका कौन सा हेल्थ केयर पर्सनल इंट्रोड्यूस हुआ था? गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। आप ट्राई करें कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करें। साइड बाय साइड अगर आपको लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको भी आप एक बार साथ साथ रिवाइज कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा हेल्थ केयर पर्सनल ICDS स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया था? अर्बन हेल्थ गाइड, TBA, आंगनवाड़ी वर्कर और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। तो ICDS स्कीम में हमारा कौन इंट्रोड्यूस हुआ था? दैट इज़ आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग स्केड्यूल फॉर विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड के लिए आप कौन, मतलब ट्रेनिंग स्केड्यूल क्या रहता है? तो बेसिकली याद रहना है, रखना है कि जो हमारे विलेज हेल्थ गाइड होते हैं, इनको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है। 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है विद 1200 आवर्स। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ के? दैट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कौन सा जो है प्रिंसिपल नहीं है? दैट इज़ MCH केयर एंड इम्यूनाइजेशन। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इन इंडिया। कौन सा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस का इंडिया में? अगर आपसे इंडिया पूछ ले, वर्ल्ड पूछ ले, ठीक है, कुछ भी हो, जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ना हेल्थ स्टेटस का, वो हमेशा आपका रहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स। गाइज, जब भी आप गाइड पढ़ते हैं ना, आपको हर गाइड में आपको आंसर मिलेगा प्री मेच्योरिटी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग भी इसको प्री मेच्योरिटी सोच रहे होंगे, बट मैं आपको इसका एक अपडेटेड वर्जन बताती हूँ। अपडेटेड वर्जन ये होता है, जो हमारा रिसेंटली सर्वे हुए हैं वो, उसमें क्या आता है, वो उनका आंसर होता है हाइपोक्सिया। अगर रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आपको हाइपोक्सिया और प्री मेच्योरिटी दोनों ऑप्शन में आते हैं, तो आंसर जाएगा आपका हाइपोक्सिया। बुक्स में हाइपोक्सिया आपका ऑप्शन में नहीं है, वहाँ पे आंसर है प्री मेच्योरिटी। पहले की आप वीडियोस या मटेरियल देखेंगे तो आपको प्री मेच्योरिटी ही आंसर मिलेगा, और ये आप एक बार नेट पे सर्च कर सकते हैं हाइपोक्सिया, दिस इज़ द अपडेशन इन दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रेशो इन इंडिया। इंडिया में सेक्स रेशो कितनी है? सेक्स रेशो बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, अभी जो सेक्स रेशो है इंडिया में वो कितनी है? तो दैट इज़ 1020, मतलब इतनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। राइट, और ये भी हमारा रिसेंटली जो सेंसस हुए थे उसका अपडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम से कितनी कैलोरीज मिलती हैं? दैट इज़ 4 किलो कैलोरीज। आपको साइड बाय साइड याद रखना है कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती हैं और फैट से कितनी मिलती हैं। तो ये जहाँ तक है आप सबको याद ही होगा कितनी मिलती हैं, राइट? तो फैट से कितनी मिलती हैं आपकी? 9 किलो कैलोरीज। कितनी मिलती हैं फैट से? 9 किलो कैलोरीज। और कार्बोहाइड्रेट से भी कितनी मिलती हैं आपको? 4 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1870, 1974, 1976, 1985। तो याद रखना है आपको, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1974 में। एक आता है आपका EPI, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1978, याद रखेंगे। इसके अलावा आपका यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये आपका स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ इन 1985। ठीक है, स्टार्मक आप याद रखते हैं तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर फॉर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन।
आप क्वेश्चन में आए अगर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है या फिर क्वेश्चन में आ जाए क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आता है एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, आंसर जाएगा आपका वेट फॉर हाइट। जब भी आपका क्वेश्चन अगर चेंज करके दे दे क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, तो आपका आंसर जाएगा वेट फॉर एज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, NACP पास्ड इन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब पास हुआ था? तो जो आपका NACP है, ये एक्ट हमारा पास हुआ है 1987 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ना इसका मतलब क्या हुआ, हमारा NACP 1 आया फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया, फिर NACP 2 आया, देन NACP 3 आया, ठीक है। अब जो आपका 1 आया था 1992 में आया था, NACP 2 आया था 1999 में आया था, और NACP 3 आया था 2007 में आया था। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कब पास हुआ था, तो 1987 में पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, द पोजीशन कॉमनली यूज्ड फॉर पेल्विक सर्जरीज, पेल्विक सर्जरी के लिए हम कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, ट्रेंडलबर्ग, सिम्स, प्रोन या सुपाइन? तो कौन सी यूज़ करते हैं हम, ट्रेंडलबर्ग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नो द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी एंड इट्स पोजिशन द इंस्ट्रूमेंट यूज इज, अगर हमारा यूट्रस है और अगर हमें यूट्रस की लेंथ को मेजर करना है, तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे? तो यहाँ पे जो डिवाइस होती है, लाइक इस तरह से एक डिवाइस है, ठीक है, तो क्या करते हैं, यूट्राइन साउंड उसको बोलते हैं, इसको हम इंसर्ट करते हैं और पता करते हैं कि यूट्रस की लेंथ क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMPA? DMPA क्या होता है हमारा? ऑप्शन इज डाई मिथाइल प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, डाई मिथाइल मोनो प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट और डिपोर्ट मिथाइल प्रोजेस्ट्रॉनिक एसिड। तो हमें ये पता है कि इसका आंसर क्या होता है, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। क्या होता है ये, हमारा इम्प्लांट्स इंजेक्टेबल्स होते हैं, और इसको हम कब लगाते हैं, एवरी 3 मंथ लगाते हैं, किस नाम से आ रहा है, अंतरा के नाम से आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर फाइव क्लिनिक्स में सेंटर सिंबल क्या है, लाइक इस तरीके से हमारा होता है ना अंडर फाइव क्लिनिक, जहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, केयर इलनेस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, तो इस पार्ट में क्या आता है हमारा, वो पूछा है। यहाँ पे हमारा क्या मेंशन होता है, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, फैमिली प्लानिंग इज़ द राइट आंसर, कि सेंटर सिंबल क्या होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, कितनी एंटीनेटल विजिट्स होनी चाहिए कम से कम? तो ये WHO ने गाइडलाइन दी थी, जिसमें WHO ने बोला था कि मिनिमम 4 विजिट्स होनी ही चाहिए, कोई भी एंटीनेटल मदर है, 4 विजिट्स इज मैंडेटरी, राइट। तो आंसर क्या होगा, 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोड यूज फॉर टैगिंग डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए हम कौन सा कलर कोड यूज़ करते हैं? क्वेश्चन है हमारा ट्राई एज का, राइट। तो अब ट्राई एज में एक बार आप ट्राई एज ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्राई एज जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ट्राई एज में ना बहुत सारे हमारे ये साइंस होते हैं, ठीक है, जैसे आपका रेड होगा, येलो होगा, जो जैसे कि जो एमरजेंट केसेस होते हैं वो रेड में टैग करते हैं, उसके बाद येलो होता है, आपका ग्रीन होता है, ठीक है, एक और पहले नहीं होता था लेकिन अभी ब्लू कलर भी होता है, और अभी क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए हम कौन सा कलर कोड यूज़ करते हैं, तो डेड बॉडी के लिए हम कलर कोड यूज़ करते हैं ब्लैक। आप एक बार इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवाइस नर्स शुड गिव टू अ पेशेंट टू कलेक्ट स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर, जब भी आप स्पूटम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो तो उसका अप्रोप्रिएट टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर फिजियोथेरेपी और आफ्टर लंच। तो जब भी स्पूटम सैंपल कलेक्ट करना है वो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग कलेक्ट करना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पी सूप स्टूल सीन इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी सूप स्टूल किस में देखने को मिलता है? कॉलेरा, टाइफाइड, चिकनगुनिया और मम्स। तो याद रखेंगे पी सूप स्टूल किस में देखने को मिलता है हमें? टाइफाइड में, राइट। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो, पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 7 to 14 days और 1 to 2 weeks, ठीक है। पॉपुलेशन कवर बाय सब सेंटर इन प्लेन एरिया, तो यहाँ पे ना आपको प्लेन एरिया मतलब कई बार रेंज में दिया होता है कि कौन कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। कई बार पूछ लेता है कि प्लेन एरिया में कितना है, हिली एरिया में कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे सब सेंटर की बात करूँ तो सब सेंटर आपकी 3,000 से लेके 5,000 तक की पॉपुलेशन को कवर करता है। तो 3,000 हिली स्टेशन में करता है और प्लेन एरिया में कितना करता है आपका? 5,000। अगर मैं आपसे पूछूं पीएचसी में कितना करता है, क्वेश्चन तो आपसे कुछ भी आ सकता है ना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी सब सेंटर ही आएगा। लाइक पीएचसी में आपसे पूछ रहा है तो पीएचसी आपका 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन कवर करता है। अगर आपका सीएचसी पूछ रहा है तो 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है। तो ऐसे ही है, मतलब 3 से 5,000, 3 हो गया हिली एरिया का, 5 हो गया आपका प्लेन एरिया का। पीएचसी में 20,000 इज़ फॉर हिली एरिया एंड 30,000 इज़ फॉर प्लेन एरिया। सीएचसी में 80,000 इज़ फॉर हिली एरिया एंड फॉर प्लेन एरिया इट इज़ 1,20,000। आई होप ये क्लियर होगा सबको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंसन्स डिसीज़ और सोशल डिसीज़ इज़ ऑप्शन फर्स्ट लेप्रेसी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी प्लेग और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। हैंसन्स डिसीज़ किसको बोलते हैं और सोशल डिसीज़ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हैंसन्स डिसीज़ या सोशल डिसीज़ हम बोलते हैं लेप्रेसी को। लेप्रेसी क्या होता है? लेप्रेसी एक आपका क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, ठीक है। क्या होती है? क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये भी एक एसिड फास्ट बैसिलाई है और ये किसको इफेक्ट करता है? आपका स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैग साइन प्रेजेंट इनटू क्वाशियोर्कर, मेरास्मस, स्कर्वी और ज़ेरोथैल्मिया। हमें हमेशा याद रखना है फ्लैग साइन किस में प्रेजेंट होता है आपका? ये होता है आपका क्वाशियोर्कर। फ्लैग साइन क्या होता है? तो फ्लैग साइन आपका क्या होता है? जैसे हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, तो हेयर्स में क्या होता है, यहाँ से ना कई कई जगह पे पिगमेंटेशन प्रेजेंट, मतलब डिसकलर्ड होता है, ठीक है। बैंड्स मिलेंगे आपको, बैंड्स ऑफ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे कहीं से ब्लैक हेयर हैं कहीं से नहीं है, तो इस तरह से ये बैंड्स देखने को मिलेंगे, राइट। एक बार आप इसको गूगल पे सर्च करके देखना इसकी इमेज कि हेयर्स में क्या होगा ना, जगह जगह से आपको बैंड्स में क्या मिलेगा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन होगा। तो दैट इज़ नोन एज अ फ्लैग साइन। किस में प्रेजेंट होता है? क्वाशियोर्कर में प्रेजेंट होता है। और क्वाशियोर्कर में और क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं वो आपके थिन और फ्रेजाइल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट डन टू डिटेक्ट ह्यूमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न। ह्यूमोलिटिक एनीमिया आप डिटेक्ट करने के लिए न्यूबॉर्न में कौन सा टेस्ट करते हो? तो क्वेश्चन ईजी है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, प्लेटलेट काउंट्स, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट और ब्लड कल्चर। तो इसका आंसर होता है आपका डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अब हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एक मतलब छोटे से तौर पे बता देती हूँ कि डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या होता है कि इसमें ना बेसिकली हम आरबीसी का सैंपल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो स्टक हैं आरबीसी से, ठीक है। और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट में क्या करते हैं, हम सीरम से मतलब सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो एंटीबॉडीज़ फ्लोट कर रही हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ फ्लोटिंग इन लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में हम सीरम से टेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, आरबीसी से टेस्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेटर्स ऑफ एनीमिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लो हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी फटीक, ऑप्शन सी लो हीमेटोक्रिट लेवल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, एनीमिया में क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन भी होता है, फटीक भी होता है, हीमेटोक्रिट लेवल डाउन भी होता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स वुड एंटिसिपेट टू प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन टू अ पेशेंट विथ इनहेलेशन बर्न इंजरी. किसी पेशेंट को जब भी इनहेलेशन बर्न इंजरी होगी तो नर्स क्या एंटिसिपेट कर रही है कि फिजिशियन क्या प्रिस्क्राइब करेगा. ऑप्शन ए 90% ऑक्सीजन बाय मास्क, 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बाय नेसल कैनला, 100% ऑक्सीजन बाय टेंट और 100% ऑक्सीजन बाय टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर फेस मास्क. तो जब भी इनहेलेशन बर्न इंजरी होगी तो हमें याद रखना है हमें 100% ऑक्सीजन देनी होती है, ठीक है. एंड मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है, नॉन रीब्रीदर मास्क. सो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्जामिनेशन इज डन टू कन्फर्म टीबी मेनिनजाइटिस. टीबी मेनिनजाइटिस के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपका CSF एग्जामिनेशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबकार स्कोर इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्स ग्रास्प एंड पल्स, रिफ्लेक्स स्लीप एंड बिहेवियर, स्लीप एक्टिविटी, कलर कलर बिहेवियर, रेस्पिरेशन. अबकार स्कोर में आप सबसे पहले एक बार अबकार स्कोर ज़रूर पढ़ेंगे और अबकार स्कोर में अबकार की ही फुल फॉर्म से याद रख सकते हैं, ऐसे ही होता है ना. तो क्या क्या आता है इसके अंदर, अपियरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ठीक है. तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके सोच के बताइएगा इसका आंसर क्या है. टिल देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस. इंटरपर्सनल रिलेशंस की थ्योरी किसने दी थी, डोरोथी ओरम, मार्था रॉगर्स, फ्लोरेंस नाइटेंगल और हिल्डेगार्ड पैपलियो. किसने दी थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की थ्योरी, तो दैट इज गिवन बाय हिल्डेगार्ड पैपलियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक डिसीज इज, ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंडेमिक क्या होता है कि आपका कोई डिसीज़ है जो कि कंसिस्टेंटली किसी एरिया में वो डिसीज़ प्रेजेंट है, तो दैट इज़ द एंडेमिक डिसीज़. पैंडेमिक डिसीज़ क्या होता है कि आउटब्रेक हो गया किसी इन्फेक्शस डिसीज़ का ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया. जैसे कोविड था तो कोविड ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो गया था, सो दैट इज़ पैंडेमिक. एपिडेमिक क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया पे अचानक से नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, तो वो क्या होता है आपका, एपिडेमिक. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, एंडेमिक डिसीज़ पूछा है कौन सा है. ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑप्शन सी फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन डी ग्वाइटर. तो ग्वाइटर क्या है ना कि कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये जो डिसीज़ है वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, ठीक है. तो इसलिए ग्वाइटर को क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंडेमिक डिसीज़, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन वायल पॉलिसी एक्सेप्टेबल टू ऑल एक्सेप्ट. ओपन वायल पॉलिसी इनमें से सब चीज़ों पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट, ठीक है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन वायल पॉलिसी है क्या. तो इसके लिए अगर आप सर्च भी करोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी. हम बेसिक बात करते हैं कि ओपन वायल पॉलिसी जो आई थी वो 2013 में इंडिया में आई थी ताकि जो वैक्सीन वेस्टेज है एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट हेल्थ केयर कॉस्ट है फॉर इम्यूनाइजेशन उसको हम कम कर सकें. और ये जो थी एप्लीकेबल है DPT के लिए, TT के लिए, HAPB के लिए, OPV के लिए, ह्यूमेफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, पेंटावेलेंट के लिए, बहुत सारी वैक्सीन के लिए एप्लीकेबल है. एक बार दोबारा देखते हैं किस किस के लिए एप्लीकेबल है, DPT, TT, HAPB, OPV, ठीक है, आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन्स, इन सब के लिए एप्लीकेबल है. बट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आंसर जाता है BCG. ओपन वायल में क्या है ना कि अगर आपने किसी वायल को ओपन कर दिया तो आपको वो, आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हो. अगर आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो इट शुड बी यूज्ड विद इन 28 डेज, ठीक है, अगर टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो, ठीक है. ओपन वायल पॉलिसी के साथ एक बार आप OPV का वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग भी पढ़ लेना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट PHC लेवल अ वूमेन हु कंप्लेंट्स ऑफ स्पॉटिंग फॉलोइंग IUD इंसर्शन शुड बी एडवाइज्ड. एक वूमेन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ रही है, अब
उसने क्योंकि IUD इंसर्ट कराया था तो उसको क्या हो गया, स्पॉटिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब स्पॉटिंग देखने को मिल रही है तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, एनाल्जेसिक एंड ऑब्जर्वेशन, एनाल्जेसिक देंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे, या फिर एंटीबायोटिक्स देंगे और आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, या ऑब्जर्वेशन करेंगे और रिमूव कर देंगे IUD। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे रिमूवल ऑफ IUD, बट रिमूवल ऑफ IUD इसका आंसर नहीं है। रिमूवल ऑफ IUD आप नहीं करेंगे, जब भी कॉपर ट्री डालते हैं ना तो इसमें स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग इसका एक साइड इफेक्ट होता है, पेन होना एक इसका एक साइड इफेक्ट होता है। कभी भी आप IUD रिमूव नहीं करोगे, यहाँ पे आप आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।